Hello, good afternoon everyone. This is Vivek Tyagi, PGD Physics from Dr. Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya. Ninth class ke physics portion ka motion topic aaj main lene wala hu. Aap jaldi se online ho jaiye aur comment box mein comment karke mujhe bata dijiye ki aap mujhe dekh pa rahe hain aur meri awaaz clear hai. Agar koi problem hai to uske bare mein bataiye. Yes, good. Chitra, I can see you. Chitra is there. और जल्दी से बच्चे ऑनलाइन हो जाइए. 5 मिनट में हम एट 1 o'clock चैप्टर शुरू करेंगे मोशन. हेलो चित्रा, यस आई कैन सी यू. अगर वॉइस में या वीडियो क्वालिटी में, ऑडियो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो टाइप कर सकते हैं, और अगर ठीक है तो आप यस सर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हम क्लास स्टार्ट कर पाएंगे. गुड आफ्टरनून राजेंद्र, गुड आफ्टरनून अभिनव. ओके थैंक्स. अभिनव ने बोला है कि वॉइस क्लियर है. बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन मैं बड़ा लिखूंगा थोड़ा तो सफिशियंट होगा, शायद नजर आएगा. अगर अभी आप लोग ये देख लीजिए कि जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है क्लास 9 चैप्टर, ये सब कुछ ठीक से विजिबल है क्या बोर्ड पे? जब मैं कंटेंट लिखूंगा तो हालांकि इससे थोड़ा छोटा लिखूंगा, परहैप्स इवन दैट विल बी गुड इनफ. हेलो वानी, ठीक है, वॉइस इज क्लियर, दैट्स गुड. ओके चेतन, थैंक यू. थैंक सक्षम फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड commenting to make it clear that everything is working just fine. Class we are bound to start at 2 o'clock, since this is the time officially told or to convey to all of you students. So class I will start at 2 o'clock, so we just have to wait 4 more minutes. ओके मुक्ता राय एंड यश कुमार, आप लोग भी ऑनलाइन आ गए हैं, ठीक है, वेरी गुड. सक्षम मलिक, वानी जैन, अभिनव पांडे, राजेंद्र सिंह भाटी, चित्रा पांचाल, ऑल आर ऑनलाइन, दैट्स वेरी गुड. क्या बहुत बढ़िया, बच्चे जुड़ते आ रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है. आई एम वेरी प्लेस्ड, प्लीज टू सी यू ऑल. ओके काकुल शर्मा, वेलकम टू द क्लास. एक बच्चे ने अभी कमेंट किया है कि वीडियो रुक गया है. आप लोग अगर वीडियो रुका है तो बता दीजिए,
और अगर चल रहा है तो यस सर या थम्स अप ऐसा कुछ, या वेव करके आप लोग मुझे बता दीजिए कि वीडियो इज़ डूइंग फाइन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो चल रहा है मेरी तरफ से। वो इस बच्चे की भाटी की शायद कोई लोकल प्रॉब्लम है। आप ओके, राजेंद्र को लग रहा है कि वीडियो स्टॉप हो गया है, तो वो आपके शायद लोकल नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो दिख रहा है। मुकेश यादव इज ऑल्सो लाइव विद अस। टोटल स्ट्रेंथ उतनी हो गई है जितनी आपकी ऑन एवरेज क्लास की स्ट्रेंथ होती है। जस्ट 2 मोर मिनट्स एंड वी विल स्टार्ट द क्लास। ओके, चूंकि बच्चों आप लोग सभी 1 बजे से थोड़ा पहले ही एडवांस में आ गए हैं, तो क्लास के ड्यूरिंग शायद मैं वापस आपको ये बात मेरे दिमाग से मिस हो जाए। क्लास में अगर कुछ कंप्लेन हो या कुछ अच्छा लगे तो ठीक है, आप अगर प्रेजेंट रहेंगे तो आई विल गेट इट कि आपको समझ आ रहा है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम लगे वीडियो ऑडियो या बोर्ड पे जो लिखा है उससे रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसे रिजॉल्व कर लेंगे। मयंक पाठक और मुस्कान भी हमारे साथ लाइव आ गए हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए। जस्ट वन लास्ट मिनट, अब काउंट बैक काउंट डाउन शुरू हो चुका है। इट इज लाइक नाउ वी आर गोइंग 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। सो हियर वी स्टार्ट। एक बार मैं फिर से बच्चों अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम विवेक त्यागी है और मैं फिजिक्स टीचर हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति भवन में। आपके साइंस बुक का 8th चैप्टर है मोशन। अब जनरली हम आपकी साइंस को 9th क्लास ऑनवर्ड्स 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, हालांकि टीचर एक ही पढ़ाता है लेकिन 3 पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस तरह से हम डिवाइड करके कंसिडर करते हैं। तो जो फिजिक्स पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 8 मोशन, वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो जब वर्ड मोशन आता है तो हम में से हर किसी के दिमाग में अलग अलग नोटेशन मोशन से रिलेटेड आती है। जैसे जब मैं मोशन की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में आती है एक मूव कर रोड पे मूव करती हुई एक बस। किसी आप में से अलग अलग बच्चों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें आती होंगी। मोशन से किसी के दिमाग में आता होगा हवा में लहराता हुआ कोई पेड़, या चलती हुई हवा, या चलता हुआ पानी, या घूमता हुआ पंखा, या जब हम लोग मूव करते हैं ह्यूमन बॉडीज मूव करती हुई, या वॉल पे मूव करती हुई लिजर्ड, या कोई मक्खी, या कोई डॉग रोड पे दौड़ता हुआ। तो मोशन की जब हम बात करते हैं हम में से हर किसी के दिमाग में अलग अलग नोटेशंस मोशन से रिलेटेड आते हैं। तो हम समझते हैं, वी हैव अ सेंस के मोशन होता क्या है, लेकिन यहाँ पे हम मोशन को एक डेफिनेशन में भी बांधने की कोशिश करेंगे जिससे हम उसे थोड़ा और क्लियर समझ सकें कि मोशन है क्या। तो जब हम
मोशन की बात करते हैं तो मोशन के साथ साथ ही एक इसकी अपोजिट टर्म भी इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम कहते हैं रेस्ट। ओके, रेस्ट मतलब चीज का मूव ना करना, या वो जहां है अगर वहीं की वहीं बनी रहे तो हम बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। जब मैं रेस्ट की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बात आती है कि जब मैं अपने क्लासरूम में बैठता हूँ तो मेरे सामने जो टेबल पड़ी हुई है दैट टेबल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो फर्नीचर है दैट इज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वॉल्स भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। स्टूडेंट्स ऑल ऑफ अस वांट के आप लोग रेस्ट में रहें, लेकिन जनरली आप लोग रेस्ट में रहते नहीं है, यू कीप ऑन मूविंग। आपके लिए पूरी तरह से रेस्ट में रहना मुश्किल भी है। पूरी तरह से रेस्ट में रहने के लिए आपको बिल्कुल पॉज या स्ट्रेच्यू हो जाना पड़ेगा, जो ह्यूमन बॉडीज के लिए मुश्किल है। ओके, बट व्हाट वी वांट कि आपके ज़्यादा रैंडम या अब्रप्ट मोशंस ना हो। तो रेस्ट मोशन के साथ साथ एक रिलेटिव टर्म और इंट्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं रेस्ट। तो रेस्ट मोशन को डिफाइन करने से पहले हम रेस्ट को डिफाइन कर लें। रेस्ट को डिफाइन करना और आसान है। तो रेस्ट की क्या डेफिनेशन है? जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई चीज अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम कहते हैं कि वो चीज रेस्ट की स्टेट में है। जैसे वॉल पे लगी हुई वॉल क्लॉक, या आप देख रहे हैं ये जो बोर्ड है इसकी पोजीशन वॉल पे फिक्स है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि बोर्ड इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यू कैन सी दीज कर्टेन्स, ये भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो ये इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तब हम उसे बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स, रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स। यहाँ पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स। इसका मतलब हम थोड़ा और क्लियर समझेंगे कि रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स का मतलब क्या है। उससे पहले मोशन की डेफिनेशन पे एक बार वापस आ जाए। मोशन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन चेंज कर ले। रेस्ट मतलब पोजीशन चेंज नहीं करे, डज नॉट चेंज, और मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ले। और इसके एग्जांपल कई सारे मैंने आपको पहले ही मेंशन किए कि अगर मैं इस बोर्ड को यूं हिला दूं तो पहले ये रेस्ट में था जब ये यूं था, लेकिन जैसे ही मैंने यूं किया तो ये मोशन में आ गया। अच्छा, मोशन में बोर्ड को लाने के बाद इस समय बोर्ड फिर से रेस्ट में आ गया क्योंकि अब भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन यहां से यहां तक ये मोशन में रहा है। तो ओके, मोशन का क्या मतलब? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम उसे मोशन में बोलते हैं। अच्छा, अब यहां पे एक बात आती है कि जैसे आपका सीलिंग फैन है, अप्रैल का महीना आ गया, हम लोगों ने सीलिंग फैन चलाने शुरू कर दिए। जैसे आपका सीलिंग फैन है तो अब सीलिंग फैन को क्या बोलेंगे, कि सीलिंग फैन रेस्ट में है या सीलिंग फैन मोशन में है? तो ऑब्वियसली जैसे ही क्वेश्चन आता है हमारी गट फीलिंग ये हमें बता देती है कि भाई फैन तो चल रहा है। हम बोलते ही हैं कि फैन पहले स्विच ऑफ था अब ऑन हो गया, या हम कहते हैं पंखा चल रहा है। चल रहा है मतलब पंखा मोशन की स्टेट में तो है, लेकिन पंखा मोशन की स्टेट में तो है लेकिन जहां पे छत पे लगा हुआ था पंखा छत पे उस वाली पोजिशन से कहीं और तो शिफ्ट नहीं होता, तो फिर मोशन की स्टेट में कैसे हुआ? आप इस बारे में सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि पंखा मोशन में है या पंखा रेस्ट की स्टेट में है, और अगर मोशन में है तो क्यों है, और अगर रेस्ट में है तो क्यों है। तो रेस्ट की डेफिनेशन हो गई मोशन की डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, when an object changes its position relative to its surroundings। अब हम इस वर्ड पे वापस आते हैं कि relative to its surroundings का क्या मतलब है। देखिए बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी मैंने आपको जो भी रेस्ट के एग्जाम्पल्स कहे, जैसे स्टेशनरी बोर्ड
या मेरे रूम में पड़ी हुई टेबल या वॉल्स या फर्नीचर, वो सब रेस्ट के एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन अगर हम सराउंडिंग को चेंज कर दें तो वो सभी मोशन के एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। ये कैसे? देखिए, जरा हम इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सपोज हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, प्लेनेट अर्थ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग यहाँ पे माना क्लासरूम है हमारा, जो क्लास जो अर्थ के रेस्पेक्ट में इतना बड़ा कभी नहीं होगा, बट जस्ट इट इज सिम्बॉलिकल। और ये मानिए कि यहाँ पे टेबल पड़ी हुई है, ये क्लासरूम है सी, और ये इसके अंदर पड़ी हुई है टेबल टी, और हम लोग क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्लासरूम के रिलेटिव टेबल जहां थी वहीं है, यानी टेबल अगर क्लासरूम के सेंटर में है तो सेंटर पे ही पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे कि हाँ टेबल क्लासरूम के रिलेटिव रेस्ट की स्टेट में है, यानी यहां पे हमने टेबल की सराउंडिंग जो मानी है वो क्लासरूम माना है, टेबल का सराउंडिंग हमने क्लासरूम माना है, और क्लासरूम के रिलेटिव टेबल रेस्ट में है, चूंकि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। लेकिन अब अगर बात करें बच्चों कि इसी वाली टेबल को सपोज हम किसी सैटेलाइट में बैठ के देखें, आपको पता है कि अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, मान लीजिए किसी सैटेलाइट का ऑर्बिट है और यहां पे सैटेलाइट है, सैटेलाइट एस। अब सैटेलाइट तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अगर सैटेलाइट से हम टेबल को देखेंगे तो फिर हमें टेबल मूव करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि क्लासरूम में तो हमें दिख रहा था कि टेबल वहीं रखी हुई है, लेकिन क्लासरूम यहां है और सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो सैटेलाइट को तो ये दिखाई देगा कि टेबल अभी उसके राइट साइड में थी, जब वो उधर चला गया तो टेबल उससे पीछे छूट गई, जब इधर आ गया तो टेबल उसके लेफ्ट साइड में आ गई, और जब सैटेलाइट यहां आ गया तो टेबल उसके सामने आ गई। यानी कि वो टेबल जो के क्लासरूम के रेस्पेक्ट में या क्लासरूम के रिलेटिव रेस्ट में है, वही टेबल किसी सैटेलाइट से, या अगर हम इमेजिन करें किसी दूसरे प्लेनेट से अगर हम उसे देखें, या एरोप्लेन से मूव करते हुए अगर हम उसे देखें, तो हमें दिखेगा कि टेबल अपनी पोजीशन उस सैटेलाइट या उस प्लेनेट के रेस्पेक्ट में या उसके रिलेटिव लगातार चेंज कर रहा है, क्योंकि टेबल तो यहाँ है। हम फिर से एरोप्लेन का एग्जाम्पल अगर समझे, टेबल यहाँ है लेकिन एरोप्लेन यहाँ था, पहले एरोप्लेन उसके ऊपर था, पहले पीछे था, फिर उसके ऊपर आया और फिर उससे आगे निकल गया, तो एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में टेबल पहले आगे थी, फिर नीचे आ गई और फिर टेबल पीछे छूट गई, तो अब टेबल रेस्ट में नहीं है, अब टेबल मोशन में है। इसीलिए जब भी हम रेस्ट या मोशन डिफाइन करते हैं तो हमें यह भी बताना पड़ता है कि हम किस सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। एक ही ऑब्जेक्ट एक सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी दूसरे सराउंडिंग से देखेंगे तो वो हमें मोशन की स्टेट में लग सकता है। इसीलिए रेस्ट और मोशन को बड़े ध्यान से डिफाइन करना है, ये देखते हुए कि हम किस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसकी बात कर रहे हैं। ओके, हालांकि अच्छी बात यह है कि नाइन्थ क्लास में आपको ये वाले कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं डिस्कस करने पड़ेंगे, हमारा नाइन्थ क्लास में सिलेबस में जो है वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, यानी हमारे ऑब्जेक्ट सीधे सीधे बस एक सीधी लाइन क्या होंगी मूव करेंगे, जैसे कि आप लोग सीधे बच्चे हैं, ऐसे ही ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये वीडियो अपलोड कर देंगे तो आप वहां से देख सकते हैं इसे, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप ये कॉपी कर सकते हैं जो मैंने लिखा, अदरवाइज आप वीडियो से फिर से भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं बच्चों, जो है ओके, मोशन लोगे स्ट्रेट लाइन, ये जो टॉपिक्स मैं लिख रहा हूं ये बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, और आप लोगों को भी एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी है, अगर टेक्स्ट बुक है तो अच्छा है, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर आप पीडीएफ उसका डाउनलोड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन नाम ही सजेस्ट करता है, ये हमने कोई लाइन इमेजिन कर ली, जब कोई ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव करेगा तो उसे हम बोलेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सपोज ये ओरिजिन है जीरो, और सपोज
you have, okay, 10 meter mark. Suppose this is 20 meter mark, and